हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो एक नए व्लॉग के साथ एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। तो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। ये देखें यार, जो हमारा मिट्टू है वो नहार है। ये देखें, मुर्गी नीचे पिंजरे नीचे छुप के खाना खा रही। तो यार अभी जो है टाइम हो रहा है सुबह के 11 बजे का, और आज तारीख जो है 20 तारीख है, और पीर वाला दिन है, मंडे वाला दिन है। और अभी जो है मैं अपने चूजों को डालने लगा हूँ खाना। हमारे पास ये देखें अजलान भट्ट साहब भी आ गए। क्या हुआ है? बस जैसे ही मेरे हाथ में वीडियो का कैमरा स्टार्ट होता है हमारे अजलान भट्ट साहब आ जाते हैं। आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा होगा, मैंने थोड़ा सा दिखाया था हमारी मुर्गी जो है वो बीमार हो गई हुई है। तो अभी उसको बाहर निकालते हैं पिंजरे में डाल के, उसको धूप भी लगवाते हैं ऊपर से। उसके पता नहीं पोर्ट में मेरे ख्याल से कुछ फंस गया है, हालांकि बाजर वाजर सब साफ होता है, पता नहीं कैसे फंस गया है। तो अभी जो ये करते हैं काम और फिर आप लोगों को दिखाते हैं आगे का। उसको खाना भी डालते हैं एक तो, और दूसरा हमारे पास छोटा पिंजरा है उसमें डाल के उसको। नीचे सीढ़ियों की तरफ भाग रहे हैं। हाँ, कहाँ जा रहे हो? हैं, जैसे ही मैंने कैमरा गया मैं तो देख रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, सीढ़ियों की तरफ भाग रहा है। तो उसको छोटे पिंजरे में डाल के और लेके चलते हैं ऊपर, धूप लगवाते हैं। क्या कर रहे हो हैं? तो यार ये देखें, ये मुर्गी जो है बीमार है, साइड पे बैठी हुई है मज़े से। और बाकी इधर हमारे सारे जानवर हैं। मिट्ठू मियाँ भी नहा रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा पीछे। और बाकी सारे हमारे जानवर हैं। तो भी जो है इनको खाना डालते हैं और मुर्गी को निकालते हैं। ये हमारे पास ऊपर पिंजरा पड़ा हुआ है, इस पिंजरे में डाल के इसको ऊपर लेके चलते हैं, धूप लगवा के लेके आते हैं। तो चलें आप लोगों को दिखाते हैं फिर आगे। इधर मिट्ठू मियाँ ने देखें ना आके अपने आप को पूरा गीला कर लिया है। इधर सर्दी भी है थोड़ी थोड़ी, और इसके काम देखें, गीला होके बैठ गया ये इधर। इधर हमारे घर में एक बुड्ढा बाबा है जिसने अभी अपना चश्मा उतार दिया, जैसी वीडियो बनाने लगा हूँ मैं ये। 3 hours later. तो यार अभी जो है टाइम हो चुका है 1:30 बजे का। और यार मैंने जो है चूजों को दूसरे पिंजरे में नहीं डाला था क्योंकि धूप नहीं थी उस टाइम पर। अभी जो है धूप आ चुकी है, तो अभी चूजों को चेंज करते हैं, बाकी इनको खाना भी डालते हैं और ऊपर धूप में भी रखते हैं चूजे को, चलने करते हैं। A few moments later. तो यार अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गी जो है मैंने पकड़ के डाल ली है दूसरे पिंजरे में, और मुर्गा ऐसा नफसियाती हो रहा है। तो मुर्गी मैंने दूसरे पिंजरे में डाल ली है, ये देखें ये मुर्गी डाल ली दूसरे पिंजरे में। मुर्गा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इसको सेहत दे भाई, ये ठीक है। मुर्गी बस थोड़ी सी बीमार है, तो इसको अभी ऊपर जो है धूप भी आ चुकी है, तो इसको जो है ऊपर लेके चलते हैं, थोड़ी धूप लगवाते हैं। और मुर्गे को देखें पागल हो रहा है भाई, मैं उसको पकड़ रहा था मुझे मार रहा था आगे से। तो अभी जो है इसको धूप लगवाते हैं और फिर इसके बाद उसको वापसी अंदर छोड़ेंगे, और लहसुन वगैरह डालेंगे इसको, और बाकी बाजार और पानी डाल के फिर इनको छोड़ देंगे। ये देखें अजलान सीढ़ियों के पास आगे खड़ा हो गया, मैं चूजे पकड़ा हूँ तो चूजे देख रहा है। ये देखें, हाँ हाँ, ऊपर नहीं आना, ऊपर नहीं आना, ऊपर नहीं आना। ये देखें ऊपर आ रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। तो अभी चलते हैं ऊपर और इसको धूप लगवाते हैं। मुर्गे को देखें नफसियाती हो गया बेचारा, अभी ऊपर लेके जाऊँगा, देखना पीछे कैसे चीखे मारेगा। आ रहा हूँ भाई, ला रहा हूँ ला रहा हूँ ला रहा हूँ, सब्र करो, सब्र का पल मीठा होता है। तो यार मुर्गी जो है हम लोगों ने ऊपर ला कर रख दी है धूप में, ये देख सकते हैं आप, इसको ऊपर ला कर धूप में रख दिया है। और बाकी आप लोग बोल रहे होंगे कि इसको पिंजरे में क्यों डाल के रखा है, क्योंकि हमारी छत जो है खुली है तो चीलें वगैरह हमला कर देती हैं, बिल्ली वगैरह भी हमला कर देती है। पहले भी हमारी एक मुर्गी थी जो हम लोगों ने पहले रखी हुई थी, उसको भी बिल्ली लेके चली गई थी। तो अभी जो इसको पिंजरे में रखा हुआ है, इसके पास में बैठा रहूँगा थोड़ी देर तक, इसको पिंजरे में रखा हुआ है, और अभी इसको 1 घंटे तक कम अज़ कम भी धूप लगवाएंगे। मुर्गा जो है चीखी जा रहा है। Eventually. तो यार अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफी देर से मैंने मुर्गी को रखा हुआ है धूप में, और आज धूप भी बहुत ज्यादा तेज है। पहले तो धूप थी नहीं, अभी आई थी, तो अभी बहुत ज्यादा तेज धूप है। तो अभी इसको उठा लेते हैं, इससे पहले ये जिंदा मुर्गी चिकन कौरमा बन जाए, यहाँ नहीं चिकन कौरमा नहीं वो बन जाए, टिक्का बन जाए। तो अभी इसको लेके चलते हैं नीचे, काफ़ी देर से इसको धूप लगवा ली है, अभी इसको नीचे लेके चलते हैं, कल इंशाल्लाह वापसी इसको लेके आएंगे। देखें कैसे मज़े से बैठ के धूप लगवा रही है, ये देखें।
तो अभी जो है इसको नीचे लेके चलते हैं और इसको अंदर छोड़ते हैं वापसी, और बाकी जो मुर्गों को है खाना भी डालते हैं, तोतों वगैरह को भी डालते हैं। मुर्गा आप देखें चीखना बंद हो चुका है, क्योंकि शुरू शुरू में लेके आया था ना, इस तरह से वो चीख रहा था। तो अभी इसको लेके चलते हैं नीचे और छोड़ते हैं वापसी। तो यार इधर जो है मैं लेके आ चुका हूँ लहसुन, ताकि इस मुर्गे को अलग डालूँ और मुर्गी को अलग डालूँ, क्योंकि ये उसको खाने नहीं देता। तो अभी इन दोनों को लहसुन डाल देते हैं, इससे इन दोनों का हाजमा जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो इन दोनों को लहसुन डालते हैं। ये इधर आ गया मुर्गी का, अभी ये अकेले तो ये आराम से खा लेगी, और इधर आ गया इसका, ये उसको खाने नहीं देता बुक्कड़। ये दोनों खा लेंगे आराम से, मुर्गा तो खाना स्टार्ट भी हो गया, मुर्गी जो है नहीं खा रही। आपका ये रहा भाई, तो इनको खाने देते हैं, उसके बाद से इंशाल्लाह इन लोगों को खाना भी डालेंगे। तो यार इनको जो है मैंने लहसुन डाल दिया मुर्गे ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया है। मुर्गी जो है खा ही नहीं रही अभी, इसको बाहर निकाल के रखा है, बाकी लहसुन भी बाहर रख दिया है, लेकिन ये खा ही नहीं रही। अब देखते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसको पिंजरे के अंदर छोड़ देंगे। तो यार अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चूजों को खाना डाल लिया है, वो अभी अंदर रखते हैं, बाकी कोलियों में डाल लिया है और तोतों वगैरह को भी डाल दिया है। ये देखें इनको भी सबको खाना डला हुआ है, और इसको भी डाल दिया, पानी कम था, सिर्फ इनका भी पानी कम था। और ये जो चूजों का पानी और खाना है, और आप देख रहे होंगे दो कोलियाँ, क्योंकि ये दोनों आपस में ना लड़ते बहुत हैं। तो अभी जो है इसको रख देते हैं अंदर, पानी जो है इस तरफ रखेंगे। अच्छा भाई, अब मेरे एक हाथ में कैमरा है, एक हाथ में वो, ये पानी रख दिया और खाना इसके ऊपर ये रख दिया, और एक इस तरफ, ताकि ये अलग अलग खाएं। लेकिन ये मुर्गा जो है इसके अंदर बहुत मसला है, इस वजह से ये अभी इसके साथ खा भी रहा है, फिर उसको मारने भी लग जाएगा बीच में। तो अभी जो है यार चलते हैं नीचे, और फिर आप लोगों को मिलते हैं थोड़ी देर तक। मैंने जो है अपने जानवरों को खाना भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया, बाकी मुर्गी को जो है लहसुन पकड़ के खिलाया था, वो ऐसे खा नहीं रही थी, इसको पकड़ के खिलाया था, तीन चार दाने खिलाए, उसके बाद गर्दन घुमा के हाथ पे काटने लग गई। तो अभी जो है उसको भी छोड़ दिया था, और मेन काम जो था उसको धूप लगवाना था। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी, इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह से पूरी पूरी। तो अभी जो है हम लोग उसको रात का खाना भी डाल देंगे बाद में, अभी तो दोपहर का टाइम हो रहा है, इंशाल्लाह उसको रात का खाना बाद में डालेंगे। तो अभी जो है इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग ऐसी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लाजमी बताएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। With the things with